भगवान बड़े हुए। श्री सरयू जी के किनारे एक मैदान का चयन किया। राम लखन एक हो रामा राम ए लखन एक हो राम लखन एक हो लखन एक ओ रे भरत रिपुदमन लाल एक ओर भये हे रामा राम लखन एक राम लखन एक ओ एक और राम जी लक्ष्मण जी एक और भरत जी शत्रुघ्न जी खेल हो रहा है। सरयू तीर सम सुखद भूमि थल गनिगन गोइयां बांटी लय। सरयू जी के किनारे एक समतल भूमि देखकर भगवान का मन हुआ खेलने का। अब राम जी खिलाड़ियों का बंटवारा कर रहे थे। श्री लक्ष्मण जी ने सोचा ऐसा ना हो कि भगवान हमें विपक्ष में खड़ा कर दें। हमारे लक्ष्मण जी तो खेल में भी भगवान के खिलाफ नहीं रह सकते। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु खिलाड़ी बनाना है तो अपने तरफ ही रखना। नहीं तो मैं खेल में शामिल नहीं रहूंगा, दर्शक रहूंगा। भगवान ने कहा कि अच्छा एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ। श्री लक्ष्मण जी को अपने तरफ कर लिया। लेकिन प्रश्न यह है कि सभी राम जी की तरफ हो जाएंगे तो विपक्ष में रहेगा कौन, और यदि विपक्ष में कोई नहीं रहेगा तो खेल होगा कैसे। श्री राम जी बड़े असमंजस में, और उन्होंने श्री भरत जी की ओर देखा, केवल देखा, कहा कुछ नहीं। भरत जी की ओर देखा और जैसे ही राम जी ने भरत जी की ओर देखा, भरत जी तुरंत विपक्ष में खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा कि राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रखा, आपको नहीं रखा, ये पक्षपात किया है भगवान ने। आपको दुख नहीं होता, आपको परवाह नहीं होती, और भड़काने वाले तो कम नहीं होते महाराज। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था कि कितने ही खास मित्र हों, एक क्षण में अलग कर देने की शक्ति रखता हूं मैं। हमने कहा आपको प्रणाम है। उसने मुझे उपाय बताया था पर मैंने तो आज तक प्रयोग किया नहीं। मैं भी आपको उपाय बता रहा हूं, आप भी मत करना प्रयोग, लेकिन उपाय है। वो कहता है कि जब दोनों मित्र बड़े अभिन्न होंगे तो दोनों साथ साथ रहते होंगे। हाँ? आप खड़े हो जाइए और दो में से एक को बुलाइए, भैया सुनो, तो दोनों ही आएंगे। नहीं आप नहीं, बस आपसे काम है। वो आ जाए, क्या बात है, खास बात है, कान में कहेंगे।
जहाँ कहो, और कान में मुंह लगाकर कुछ मत कहो, होंठ हिला दो अपने ऐसे ऐसे बस। क्या आप तो समझ गए जो हमने कहा, बस आप चले जाइए। उसके बाद उसका मित्र तो पूछेगा ही, हाँ मित्र पूछेगा क्या कहा उसने। अब कुछ कहा हो तब तो वो बताए, क्यों क्या कहा, अरे कुछ नहीं कहा। अरे कहा कैसे नहीं, बुलाया, खास बात थी, कान में मुंह लगाया, नहीं सचमुच नहीं कहा, नहीं कहा है। अब वो मित्र कहे कि नहीं आपकी कसम कुछ नहीं कहा, देखो कसम मत खाओ, बताना हो बताओ ना बताना हो मत बताओ। बोलो दो मित्रों में फूट पड़ गई कि नहीं, और आपने कुछ कहा भी नहीं और फूट पड़ ही गई। तो ये भड़काने वाले भी बड़ी प्रतिभा वाले होते हैं महाराज। भरत जी से कहा कि लक्ष्मण जी को राम जी ने अपने पक्ष में रखा, आपको नहीं रखा, आपको कोई चिंता नहीं होती, परवाह नहीं होती। भरत जी ने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में। ये सुनना बड़े महत्व की बात है। भरत जी ने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में, मुझे तो एक ही परवाह है कि चाहे भगवान पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में रखें, पर किसी भी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए। हे प्यारे, तुम्हारा खेल पूरा हो, तुम्हारी लीला पूरी हो। यही क्या कम है कि आप देख रहे हैं, यही क्या कम है कि आप साहिल से देखते हो, सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं, आपकी राजी में हमारी राजी है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी बाहवा है और यूं भी बाहवा है। भरत जी ने कहा हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में, हमें तो एक ही परवाह है किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए। पर एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भरत जी यह तो आपकी महानता है, लेकिन श्री राम जी ने तो लक्ष्मण जी को पक्ष में रखा, यह आपकी महानता है कि आपके कारण भगवान का खेल पूरा हो रहा है। भरत जी ने कहा मेरा कोई त्याग नहीं है, मैं विपक्ष में हूं तो ज्यादा फायदे में हूं, पक्ष वाले उतने फायदे में नहीं है। कहा क्यों, कहा जो पक्ष वाले हैं जो राम जी के पक्ष में खड़े हैं वे तो हमें देख रहे हैं, और हम जो विपक्ष में खड़े हैं तो हम राम जी को देख रहे हैं, तो दर्शन का जितना बढ़िया अवसर हम विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। यह है देखने का ढंग। खेल शुरू हुआ, राम लखन एक ओ, ओ रामा राम लखन एक ओ, राम लखन एक ओ, भरत इबुदमन लाल एक ओ भाई, राम लखन ओ रामा राम लखन एक ओ, रामा राम लखन एक ओ, भरत रिपुत मन लाल एक ओर भये, राम लखन एक ओर एक ओर खेल शुरू हुआ।
खेल था गेंद का, फुटबॉल। राम जी ने चरण का प्रहार किया और गेंद बड़ी तेजी से लुढ़कता हुआ भरत जी के दल में पहुंचा। भरत जी ने दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। किसी ने कहा कि देखा, भरत जी राम जी से जीतना चाहते हैं इसलिए गेंद पर इतने जोर की ठोकर लगाई। भरत जी ने कहा कि बात यह नहीं है, बात दूसरी है। हमने इसलिए ठोकर नहीं लगाई कि हम राम जी से जीतना चाहते हैं। फिर श्री भरत जी ने कहा, हमें लगा कि ये गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरणों को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है, और जो भगवान के चरणों को छोड़कर भागे उस पर तो ऐसी ठोकर लगानी चाहिए ताकि वह भगवान के चरणों को छोड़ना ही भूल जाए और यह समझ ले कि भगवान के चरणों को छोड़कर जहां जहां जाएंगे ठोकर ही मिलेगी। मूढ़ सिखावन मेरो सुन मन, मूढ़ सिखावन सुख न लयो काहु सुख सठ ये समुझ सवेरो सवेरो मूढ़ सिखावन में सिखावन मूढ़ सिखावन में मूढ़ से भगवान के चरणों को छोड़कर जहां भी जाएंगे ठोकर मिलेगी। सपने हूं जग में आराम नहीं, आराम तो राम के पायन में। और जैसे ही गेंद राम जी के पक्ष में गई, श्री राम जी ने गेंद को ठुकराया नहीं। किसी ने कहा, आपने गेंद को क्यों नहीं ठुकराया? भगवान बोले, वैसे तो किसी को भी नहीं ठुकराने का स्वभाव हमारा है, पर खेल में गेंद को ठुकरा भी देते, पर ये गेंद हमारे लिए गेंद नहीं रह गई, ये तो भरत ऐसे संत का भेजा हुआ उपहार है, इसको हम कैसे ठुकराएं। भगवान ने कहा कि संत अपने चरण की ठोकर लगाकर जिसे हमारे चरण शरण में भेज देते हैं उसे फिर हम ठुकरा नहीं पाते। भरत जी जीत गए, राम जी हार गए। जीतने वाला उदास सिर झुकाए बैठा है, हारने वाला हर्षित है।